नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब अपने घरों में कुशल मंगल हैं और अपना ध्यान अच्छे से रख रहे हैं। बच्चों, आज हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, एक ऐसी क्रांति जिसकी वजह से फ्रांस में एक नए समाज की स्थापना हुई। आज हम स्वतंत्रता, मुक्ति, समानता, इन सबको बहुत सहज और सुलभ तरीके से लेते हैं, लेकिन हमें याद रखना होगा कि जब जब किसी भी देश में कोई भी बदलाव आया है, उसका एक अपना इतिहास रहा है। फ्रांस में हुई इस क्रांति का भी एक लंबा इतिहास है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद सभी की सोच बदली, सभी के बराबर अधिकार हो सकते हैं, सभी बराबर हैं, सब समान हैं, यह सोच राजनीति की एक नई भाषा बनी। 14 जुलाई 1789 पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। उस समय वहां के लोगों का यह मानना था कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। 7,000 मर्द और औरतों ने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय लिया। इस गठन के बाद वह हथियारों की खोज में बहुत से सरकारी भवनों में प्रवेश करने लगे। उनमें से सैकड़ों लोगों का एक समूह उस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला। लोगों को वहां पर भारी मात्रा में गोला बारूद मिला। बच्चों, सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र बना हुआ था, इसलिए वहां के लोगों ने किले को ढा दिया। उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। बच्चों, इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस और देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अब हम 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज की बात करेंगे। सन 1774 में बर्बन राजवंश का लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल की थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से हुआ था। राज्य ग्रहण करने के बाद उसने अपना राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने के फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई ने अपने शासन काल में अमेरिका को ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लीवर से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया था, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लीवर का बोझ चढ़ा हुआ था। लीवर फ्रांस की मुद्रा को कहा जाता था, जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था। हालात ऐसे हो गए थे कि फ्रांसीसी सरकार अपने नियमित खर्चे जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई थी। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बंटा हुआ था और केवल तीसरी स्टेट के लोग अर्थात जनसाधारण ही कर अदा करते थे।
इस चित्र में फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाया गया है। प्रथम एस्टेट में पादरी वर्ग, द्वितीय एस्टेट में कुलीन वर्ग तथा तृतीय एस्टेट में बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, फिर किसान और कारीगर तथा फिर छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकर थे। इस चित्र से पता चलता है कि तृतीय एस्टेट में कुछ लोग अमीर तो कुछ गरीब थे। एस्टेट क्या थी? एस्टेट क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को कहा जाता था। उस समय फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था कुछ इस तरह से थी कि पूरी आबादी का लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे एस्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम दो एस्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्म से प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करते थे। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना, सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइथ के रूप में वसूलता था। टाइथ का मतलब यहाँ पर चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। तीसरे एस्टेट के तमाम लोगों को सरकार को कर चुकाना होता था। इन करों में टाइल और अन्य अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे। टाइल का मतलब यहाँ पर सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर से है। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य की वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता को ही झेलना पड़ता था। यदि आप इस चित्र को देखें तो इस चित्र में एक कुलीन व्यक्ति और एक किसान को दर्शाया गया है। इसमें कुलीन व्यक्ति को मकड़ा और किसान को मक्खी कहा गया है। कुलीन व्यक्ति को मकड़ा इसलिए कहा गया है क्योंकि वे किसानों से कर लेते थे और उनको जितना भी दिया जाता था उनका लालच उतना ही बढ़ता जाता था। और किसान को मक्खी इसलिए कहा गया है क्योंकि बेचारा गरीब किसान अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ देता था और कुलीन व्यक्ति सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा रहता था। यह उसकी तरफ एक नजर तक देखता भी नहीं था। बच्चों, फ्रांस की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। परिणाम स्वरूप अनाज उत्पादन की तुलना में काफी कम हो गया और उसकी मांग काफी तेजी से बढ़ी। मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि होने लगी। अधिकतर कामगार मजदूरों को जो कि कारखाने में मजदूरी करते थे उनकी मजदूरी उनकी मेहनत से काफी कम मिलती थी। यानी जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही थी उस हिसाब से उनकी मजदूरी नहीं बढ़ रही थी। अब हम फ्रांसीसी समाज में उभरते मध्य वर्ग की बात करेंगे। पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और मजदूर विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे।
यह जिम्मेदारी तीसरे एस्टेट के उस समूह ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ चुके थे। यह मध्य वर्ग फैलते समुद्री व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित कर रहा था। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे एस्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। यहाँ सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्म से विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक, रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। अपने टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आजाद घोषित कर दिया तो वहां इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे एस्टेट्स जनरल यानी प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्ताव पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। एस्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों एस्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि संस्था की बैठक कब बुलाई जाएगी। इसकी अंतिम बैठक 1614 में हुई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई ने 5 मई 1799 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साय के आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे एस्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। तीसरे एस्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे एस्टेट का प्रतिनिधित्व पढ़े लिखे लोग कर रहे थे। किसानों से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनवाई गई। तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को यह प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व
मिराबियो और आबेसिये ने किया। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेष अधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। आबेसिये मूलतः पादरी था और उसने तीसरा एस्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका लिखी। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलन कर रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी, पावरोटी की कीमतें आसमान छू रही थी, बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे, बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। देहाती इलाकों में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं, जो पकी हुई फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्य और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने अधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लीवर सरकार के हाथ में आ गई और इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार से फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। सन 1791 में संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। पहले नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो आगे असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मताधिकार नहीं था। 25 उम्र से अधिक उम्र वाले वह पुरुष जो कि कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर का कर्ज चुकाते थे, उन्हें ही सक्रिय नागरिक माना जाता था। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया, अर्थात
अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त है और इन अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता था। 18वीं सदी में ज्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृतियां एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। ले बार्बिये ने अपनी पेंटिंग में अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया। टूटी हुई जंजीर, दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आजादी का प्रतीक थी। छड़ों का बर्छीदार गट्ठर, अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर पूरे गट्ठर को नहीं, एकता में ही बल है। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख, सर्वदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरण अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देगी। राजदंड, शाही सत्ता का प्रतीक। अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, सनातनता का प्रतीक। अंगूठी का और कोई छोर नहीं होता। लाल फ्राइजियन टोपी, दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी। नीला, सफेद, लाल फ्रांस के राष्ट्रीय रंग। बैनों वाली स्त्री, कानून का मानवीय रूप। विधिपट, कानून सबके लिए समान है, उसकी नजर में सब बराबर हैं। आइए अब इस चित्र को देखते हैं। इस चित्र में हमें जीविका संकट चक्र को पूरा करना है। चित्र में दिए रिक्त स्थानों को हमें सही शब्द चुनकर भरना है। जीविका संकट चक्र ऐसी चरम स्थिति है जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। खराब फसल, अन्नाभाव हुआ तो खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ती गई। अब गरीब गुरबा पावरोटी नहीं खरीद पाएंगे, इसके कारण कमजोर शरीर और खाद्य दंगे। कमजोर शरीर से बीमारियां और महामारी तथा फिर मृतकों की संख्या में वृद्धि। इसी तरह से खाद्य दंगों से भी मृतकों की संख्या में वृद्धि। तो इस तरह हमने इस जीविका संकट चक्र को पूरा किया। अब कुछ प्रश्न आपके लिए। इस सत्ता पिरामिड को देखिए तथा उत्तर दीजिए। किस वर्ग के लोगों पर कर देने का सबसे अधिक बोझ था? किस वर्ग के लोगों को कर देने से छूट थी? यदि आप एक फ्रांसीसी नागरिक होते तो इस तरह की वर्ग व्यवस्था पर आप क्या कहते? इस चित्र में दिखाए प्रत्येक व्यक्ति की पहचान करें। तीनों व्यक्तियों में से कौन तृतीय एस्टेट को प्रदर्शित करता है? वृद्ध व्यक्ति किसको और क्यों ढो रहा है? तो आज हमने बात की कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज की क्या दशा थी तथा फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। इस अध्याय के अगले हिस्से पर हम कल बात करेंगे। तब तक के लिए कुछ प्रश्न आपके लिए छोड़े हैं, उन पर जरूर विचार कीजिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।